नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के द्वारा अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया कटिहार में। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शहीद चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के द्वारा माल्यार्पण शहीदों के नाम श्रद्धांजलि के स्वरूप मोमबत्ती जलाकर किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के बिहार प्रदेश सचिव अजय कुमार शाह ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये श्रद्धांजलि में हम लोगों के द्वारा सभी को याद किया गया जिन्होंने भारत के आज़ाद करने में अपने प्राण निछावर कर दिए थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार प्रदेश सचिव अजय कुमार शाह, संतोष कुमार, संजय गुप्ता, चंद्रभूषण सिंह, सूरज कुमार, नारायण सिंह, मोहन गुप्ता, राजेश भगत एवं बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगस्त क्रांति दिवस आज 9 अगस्त को हर साल हम लोग यहाँ मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में आगाज कर रहे हैं और यह कार्यक्रम उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान देकर करके आज पूरे देश भारत को आजाद करने का काम किया, वैसे महान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर कर करके उन सब शहीदों जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सभी को मैं आज इस 2 अगस्त के उपलक्ष्य में नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं कि आज का दिन हम नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा यादगार रहेगा। आज का दिन अगस्त क्रांति इस बात का द्योतक है कि आज का ही दिन हम लोगों ने उन फिरंगी ताकत को इस देश से भगाने का काम किया और आज हम लोग अगस्त क्रांति तमाम युवाओं मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से आज हम लोग मना रहे हैं और ये समाज में हर लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं तमाम युवाओं को कि आज हम लोग एक हो, देश की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, इस देश को उन ऐसी विदेशी ताकत को दूर करने के लिए, इस देश को बचाने का नॉर्थ से ईस्ट तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग लड़ने का आह्वान करेंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हर पीड़ित, शोषित, वंचित, ऐसे दबे कुचले, भय, अपराध, भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगी और लड़ता रहेंगे। आज 9 अगस्त हम लोगों का उन शहीदों को हम लोग अपने दिलों में बास करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेते हैं। आए हम सब मिलकर करके इस राष्ट्र की भूमि, इस राष्ट्र की धरोहर को मजबूत और इस नींव को अपने कर्तव्य समझ करके इस देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने का संकल्प ले। जय हिंद, जय हिंद। उनको दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर खास करके हिंदुस्तान को प्रज्वलित किया गया है ताकि हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य हो सके और जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लोग लड़े उस शहादत दिवस के अवसर पर ये संकल्प आज के डेट में हम नौजवानों, खास करके हमारे जो अजय बाबू हैं वो बहुत ही ये मानवाधिकार संगठन के सचिव भी, महासचिव और सचिव भी हैं बिहार प्रदेश के, इनके ही कर कमलों के द्वारा, इनके ही अगुवाई में हम लोग की ये क्रांति दिवस मनाई गई है और ऐसे में हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कटिहार के नौजुकों को, खास करके बुद्धिजीवियों को कि देश का विकास अच्छी तरह से हो, कटिहार का विकास अच्छी तरह से हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रभूषण सिंह, BMP 7 कटिहार।